वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, हसास और सेंसिटिव इशू जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं वो है HIV एंड AIDS। अभी हमारे सामने से एक बड़ी दिलखराश खबर गुजरी थी जब हमने देखा कि सिंध में बहुत सारे बच्चे यकायक HIV पॉजिटिव उनके टेस्ट हुए हैं। इसकी वजूहत बहुत सारी थी, देन वी फाउंड आउट दैट देयर वाज वन डॉक्टर जिसने एक ही नीडल से इनको इंजेक्ट किया था एंड द डिजीज वाज स्प्रेडिंग, बट लिटरली दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी भी इस बहुत ही अहम इशू को हम देखकर अनदेखा करते हैं, इसके मुतहरिकात पे हम एक भी नजर नहीं डाल रहे, हमें ये भी नहीं पता कि इसके स्प्रेड की जो इंसाइट्स हैं उनको किस तरह निपटा जाए। जो मैंने शुरू में बात की कि 90 की दिहाई में जब हमने इसकी अवेयरनेस का जिक्र करना शुरू किया तो कहा कि जी ब्लड की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अभी भी हम समझते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें अगर देखभाल ना की जाए या फिर जो ड्रग यूजर्स हैं क्योंकि वो एक ही नीडल एक ही इंजेक्शन सुई इस्तेमाल कर रहे होते हैं शायद इसकी वजह से, लेकिन एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसके अंदर जो जिनसी रवाबित का है उस पर शायद हम बात भी नहीं कर पाते। एंड देन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट, क्योंकि पूरी दुनिया में बात की जाती है जो HIV पॉजिटिव अगर कोई खातून है और उसका बच्चा इफ शी इज प्रेग्नेंट तो वो ऑटोमेटिकली मे और मे नॉट, इज अ वेरी बिग परसेंटेज के उसमें ये मर्ज होगा, लेकिन अब अद्वियात और मेडिकल प्रैक्टिसेस मौजूद हैं कि उसमें HIV ना हो। बहरहाल जी, आज क्योंकि 1 दिसंबर अभी गुजरा है जिसको पूरी दुनिया में आलमी तौर पर HIV और एड्स के दिन के तौर पर मनाया जाता है, हमने सोचा कि इसके कुछ अहम पहलू को हम इस प्रोग्राम में उजागर करने की कोशिश करते हैं। आपकी कॉल्स भी आ सकती हैं इसके अंदर, ट्विटर पर हमें बताइए कि इस मर्ज को जो हम देखकर अनदेखा कर रहे हैं उसमें नुकसान किसका है और इस पे पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा शख्स हो क्या हम उसको मजीद विक्टिमाइज करते हैं, दोज विल बी द थीम्स ऑफ आर टॉपिक टुडे ऑफ आर डिस्कशन टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस ए राव, आप CEO हैं ग्रीन स्टार पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राव फॉर बींग है। आई डोंट नो वेयर टू इवन बिगिन द कॉन्वर्जेशन क्योंकि इतना अहम इशू है, इतना प्रेविलेंट इशू है, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स इस पर काबू पाने के लिए, इसकी आगही को बढ़ाने के लिए क्या करें, व्हाट्स आवर स्ट्रेटजी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सुधरा, आज का और आपका बहुत शुक्रिया। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक पहली चीज जो है कि आपने कहा कि आलमी दिन मनाया जा रहा है ना, तो जिस चीज को हम कम करते हैं या करना नहीं चाहते उसको बरसी की तरह मनाते हैं साल में एक मरतबा। हमने यहाँ फैसला किया है कि माँ बाप से मोहब्बत कम करनी चाहिए तो फादर्स डे मदर्स डे एक दिन हो गया है, अपने पार्टनर से मोहब्बत जरा कम करनी, कंट्रोल करना तो वैलेंटाइन डे, इसी तरह से HIV डे, क्योंकि जो चीज जिस चीज जो चीज आपके लिए अहम होती है वो सुबह सुबह करते हैं, मॉर्निंग शोज में बात होती है और रोज करते हैं कंसिस्टेंट। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू आर ऑलरेडी टेकिंग इट अप एज अ प्रायोरिटी एंड आई होप इट इज टॉक्ड अबाउट इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान में 208 मिलियन की आबादी है और क्योंकि गवर्नमेंट क्या करने से पहले इस बात का अहाता करना जरूरी है कि प्रॉब्लम है कितना बड़ा, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। 208 मिलियन की आबादी अगर हम देखें उसमें तकरीबन 1.5 लाख 1,60,000 से 1,90,000 का फिगर है, ये लोग हैं जो HIV, हमारा ख्याल है कि उनको HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव मरीज में से 50% जो है खवातीन है, 50,000 के करीब, तो 1,20,000 के करीब मर्द और 50,000 के करीब खवातीन इस वक्त HIV में। हर साल इस पूरे खत्ते में 25,000 पेशेंट्स का इजाफा होता है और HIV और एड्स से रिलेटेड अमवात में 7,600, तकरीबन अगर कराची से हैदराबाद जाने वाली बसें हों तो 8 या 9 बसें इन लोगों से भरे हुए जिसमें हर एक में 80 लोग पेशेंट्स हों, तबाह बर्बाद हो जाती हैं, 600 जाने जाया हो जाते हैं। बेसिकली हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 लाख लोग तो हम ऑफिशियली बिलीव करते हैं कि HIV पॉजिटिव, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो हर मर्ज की तशखीस एक तो बड़ी स्लो है, लोग रिपोर्ट नहीं करते, मर्ज को छुपाया जाता है, क्रिमिनलाइज किया जाता है खुसूसन HIV को। आप किस हद तक यू नो इससे अग्री करते हैं कि द नंबर्स आर 150,000? ओके, एक्चुअली जो कुछ भी फिगर ज्यादा तो शुमार होती है इंसिडेंस प्रिवेलेंस के स्टेटिस्टिक्स के खास तरीके हैं, ये एक सिर्फ मोहतात अंदाजा है जी। क्योंकि पहली बात जो आपने सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम के साथ ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग काम कर रहा है, वो इन 1,60,000 मरीजों की तलाश में है जिसमें से कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम 90% को पहले तो ये पता चल जाए कि उनको बीमारी है, अगर उनको पता चल जाए तो वो डायग्नोस हो जाए, डायग्नोस हो जाए तो फिर उसमें से 90% का शायद हम उनको इलाज मालजा
प्रोवाइड करें और उनमें से 90% का हम कम कर दें। डॉक्टर साहब, इट वॉज माई पर्सनल यू नो मोटिवेशन टुडे कि हम इस पर थोड़ा सा और खुलकर और कैंडिड तरीके से बात कर सकें। हम सबको पता है कि एड्स ला इलाज है, लेकिन जो मैं आपसे जानना चाहती थी और हम ऑफलाइन भी गुफ्तगू कर रहे थे, स्टेजेस क्या होती हैं, यानी एक शख्स को कब और कैसे पता चले, वो क्या सिम्टम्स हैं, इसके बारे में आगे ही कोई नहीं देता। आपके क्या फेल है, आपका क्या लाइफ स्टाइल है, ये आप बेहतर जानते हैं। हु इज एट रिस्क, उसके बारे में बात हो चुकी है, ऐसी बात है जो अगर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, नीडल प्रिकिंग हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी आपने गैर मोहतात तरीके से करवाया है, या जिनसी रवाबित से ये मर्ज फैलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर खुदा ना खासा कोई एचआईवी पॉजिटिव है, वो कौन से सिम्टम से गुजरेगा, उसको खुद कैसे अंदाजा हो। ओके, आई जस्ट टेक अ मिनट टू कनेक्ट विद दी, क्योंकि गवर्नमेंट शायद इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस यूं नहीं रहा, क्योंकि 208 मिलियन की आबादी में से हम कहते हैं सिर्फ ये 1.5 लाख मरीज, हमें लगा कि हमारे लिए हाई प्रायोरिटी जी। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि इसके जो इंसीडियस ऑनसेट होने का, यानी जिस मरीज को होता है, इसके 3 स्टेजेस हैं। ओके, पहले स्टेज में एक अक्यूट बीमारी होती है जो फ्लू लाइक बीमारी होती है, नज़ले जैसे सिम्टम्स होते हैं। एब्सोल्युटली। ओके, वो आती है और गैर महसूस तरीके से आदमी रिकवर भी कर जाता है, और हमें लगता है और हो सकता है उनको एहसास ही होता हो कि ये मौसमी फ्लू हुआ है, तबियत खराब हो या नज़ला जुकाम हो, इग्नोर कर दिया, जुशांदा ले लिया या कोई और दवा ले ली। इसके इमीडिएटली बाद, फिर अक्यूट स्टेज के बाद, जो 2 महीने से ले 2 वीक से लेके 2 महीने तक का पीरियड होता है, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स के जाने के बाद क्रॉनिक स्थिति की तरफ, क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, जिसके अंदर मरीज को सरदर्द की शिकायत रहने लगती है। ऐसा सरदर्द जो मुस्तकलन रहता है, उसको बुखार रहना लगता है, बुखार हल्के से लेके हाई फीवर रह सकता है, मगर परसिस्टेंट होगा। उसके जिस्म पर रैश हो सकते हैं, उसके गले की खराबी रहने लगती है, सोर थ्रोट होने लगता है। और जो नॉर्मल आपकी ओवर द काउंटर पेन किलर्स हैं, ये इन पे काम कर रही होती है, शुरू में काम कर रही होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वायरस की तादाद बढ़ती है खून में, इसकी वजह से उसके जिस्म के ऊपर एनर्जी ड्रेन बढ़ने लगता है, और ये आदमी थकावट महसूस करने लगता है, कोई काम करने में दिल नहीं चाह रहा होता है, जोड़ों और पट्ठों में दर्द हो रहा होता है, गुदूद सूझना शुरू हो जाते हैं, मुस्तकलन सोर थ्रोट रहने लगता है। ऐसी सूरत में, अब जो शुरू की फ्लू लाइक के बाद अगर ये कैफियत महसूस हो रही है, तो चांसेस आर कि अगर आप चले जाएंगे तो इस डिजीज को लगाम दे दी जाती है। तो क्रॉनिक स्टेज के अंदर भी इसको अगर रेफर कर दिया जाए तो डॉक्टर से तशखीस के बाद इसकी दवाएं दस्तियाब। अच्छा, जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली हु आर बोर्न विद एचआईवी, उनका लाइफ स्पैन और उनकी अद्वियात, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये बड़ा तकलीफ दे सवाल है, क्योंकि मैं अक्यूट और क्रॉनिक स्टेज के बाद फिर जाके एज में तब्दील हो जाती है फुल ब्लोन एड बीमारी। तो अक्यूट, क्रॉनिक एंड एक्टिव एड्स डिजीज, ये 3 स्टेजेस हो गए इसमें। ये बच्चे जो उन माँ बाप के यहाँ पैदा होते हैं जिसमें से कोई एक या दोनों पार्टनर एड्स का या एचआईवी का शिकार है, इनका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। और हामला औरतें सिर्फ 10% ऐसी हैं जिनको दवाएं मिल पाती हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको ट्रांसफर होने से बच्चे का, पैदा होने वाले बच्चे की रोकथाम है। लेकिन एक मरतबा अगर बच्चे की माँ की तशखीस हो जाए तो चांस ज्यादा द बेबी वुड बी बॉर्न, उनको भी बीमारी मुंतकिल होगी। सही। इनका इलाज की रोकथाम की जा सकती है क्योंकि इनके बारे में, लेकिन पैदाइश के वक्त 80% लोग उन इलाकों में नहीं रह रहे होते जहाँ ये तशखीसी सहूलियत आ गई भी हो। अक्सर तो हामला खातून को भी नहीं पता होता कि वो खुद एचआईवी पॉजिटिव है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल हमारे पास ट्विटर पे आया था विनय अनाउंसर सिंह, उसमें पूछा ये गया कि अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना, अगर किडनी में तकलीफ है तो यू नो वेयर टू गो, हु इज द स्पेशलिस्ट, जीपी के पास कब जाना है, कौन सी बीमारी के लिए किसके, अगर आप ये सिम्टम्स कोई इर्द गिर्द आपके ऐसा शख्स हो या खुद महसूस करें, किस डॉक्टर के पास जाया जाए, स्पेशलिस्ट? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है क्योंकि मोहल्ले में बैठे हुए सारे जीपी की ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि नजला खांसी जुकाम की तरह नहीं है जो आम डॉक्टर पिकअप कर ले। सही। उसके लिए आपके तवसुत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की प्रोवेंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में ये बड़ा काम हो रहा है। ग्लोबल फंड के साथ हम ग्रीन स्टार काम करी है, इसकी एक हेल्पलाइन है 0800-111-71। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, या अगर आप फोन करेंगे तो आपसे पहले। इन एसोसिएशन विद पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G, एक नया ख्वाब, लॉन्ग लास्टिंग कलर, उम्मीदिया, शुक्रिया।
और बेफिक्र हो जाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क जियो फोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। हेडलाइन न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय 20 रुपए वाला पैक अब 15 रुपए में, जो दे आम पाउडर के दो पैक से बेहतर धुलाई, 5 रुपए की बचत के साथ। राइट सब राइट कर देगा। Introducing Oreo Strawberry. वफाकी हुकूमत का सरकारी इदारों को कागजों से पाक करने का फैसला। वजीर आजम आज डिजिटल पाकिस्तान मुहिम का आगाज करेंगे। खतों किताबत डिजिटल कर दी जाएगी। इफ्तिताही तकरीब वजीर आजम हाउस में होगी। वजारत इंफॉर्मेशन ने 3 माह में काम मुकम्मल किया है। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने साबिक सदर को 5 दिसंबर तक बयान रिकॉर्ड कराने की मोहलत दी थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का जहलम में फायरिंग रेंज का दौरा, आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। 39वें मेगा शूटिंग मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत, अफसरान और जवानों में ट्रॉफीज और मेडल्स तकसीम किए। दादू में 10 साल बच्ची की मुबैना संसारी, अदालती हुक्म पर गुले समा की खबर कुशाई की गई। मेडिकल रिपोर्ट ने शवाहिद हासिल कर लिए, रिपोर्ट का इंतजार। केस में वालिदैन समेत 3 अफराद जेर हिरासत हैं। आइंदा साल 2 लाख पाकिस्तानी हज का फरीजा अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की जानब से वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और सऊदी अरब के डॉक्टर सालेह ने दस्तखत किए। नेपाल में साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानियों की फतूहत, गोल्ड मेडल्स की तादाद 10 हो गई। कराटे टीम ने इवेंट का इख्तिताम 6 तिलाई, 8 चांदी और 5 कांसी के तमगों के साथ किया। उजैर ने 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। टेनिस फाइनल में भारत से शिकस्त। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां, वाशिंगटन में क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। 60 फुट ऊंचे दरख्त की सजावट दीदनी। स्पीकर अवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी ने तकरीब में शिरकत की। अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद। जब बचत की हो बारी, सर्फ एक्सेल हो जाए दो पे एक भारी। सर्फ एक्सेल का 20 रुपए वाला पैक अब 15 रुपए में, जो दे आम पाउडर के दो पैक से बेहतर धुलाई, 5 रुपए की बचत के साथ। आज न्यूज और आज एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक साथ, एक मुनफरिद और आसान एप्लीकेशन, जिसमें है ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ड्रामे, मजेदार रेसिपी, दुनिया भर का अहवाल, स्मार्टफोन की स्मार्ट चॉइस। बीबीसी न्यूज। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन अफगानिस्तान में ज्यादातर बच्चों ने कहानी की किताबें देखी ही नहीं है, इसीलिए मैंने तय किया कि साइकिल पर किताबें लेकर उन तक जाऊंगा। मुझे तालिबान ने धमकाया, मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं जब आता हूं तो बच्चे भागे भागे मेरे पास आते हैं, मुझे ये देख कर रोना आ जाता है। दुनिया कैसी नजर आती है ये आपके जाविया निगाह पर मुनहसर है। बीबीसी उर्दू। पीर से जुमा शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। अशाक से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हकाइक पर मबनी बेलाग तर्जी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तर्जी। याद रखना, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जो मजबूती चाहिए सब यहाँ है। जब कोई रोके तो बढ़ते जाने की मजबूती सब यहाँ है। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाएगा इसके बालों को मजबूत और आपकी हर बार इसके इरादों को। लाइफ बॉय शैम्पू, बढ़ो मजबूती से। इस पिच पे पाकिस्तान जीतेगा।
जितना भूंगी मैं आपसे पिछले पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरा सिंह से 100% यकीनी हिफाजत। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। जा रही है, फ्रिज में रख दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बट मॉम, सिंक से रहें इन सिंक विद व्हाट्स हैपनिंग एट होम ऑलवेज। फ्रॉस्टिंग इज डन। ये देखें, ये तो हो गया, और वो कौन करेगा? टॉलेंस के स्मार्ट रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल करें सिंक के जरिए कहीं से भी। सिंक पावर्ड बाय होम बेस, क्योंकि टॉलेंस रिलायबल है। रोजाना के खानों को मिला एक नया अंदाज, दाल सब्जी और सब्जी गोश्त के लिए आया कुछ खास। नेशनल आया नई रोजाना रेसिपीज, हर दाल में चिकन का मजा, सब्जी बनी चटखारे वाली, भुने मसालों से बना जायकेदार सब्जी गोश्त। रोजाना का खाना आप हुआ खास, नेशनल रोजाना रेसिपीज सिर्फ 20। वेलकम बैक। और अहम इश्यूज पे आज हम बात कर रहे हैं। शुरू हुए थे जी उर्दू कॉन्फ्रेंस, देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ एचआईवी एंड एड्स। इसके बारे में कुछ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है। अभी तक की गुफ्तगू में हमने सिम्टम्स की बात की, हमने ये बात की कि अगर आप अपनी प्रिवेसी को मेंटेन रखते हुए इस तरह के सिम्टम्स फील कर रहे हैं एंड यू वांट टू रीच आउट, सो द नंबर इज 0800-111-71, जिस पे आप ग्रीन स्टार की हेल्पलाइन पे जाके अपने इश्यूज को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर, द फाइनल फ्यू मिनट्स ऑफ माई शो, आई नोटिस दैट यू वेयरिंग एन इमोटिकन, एंड ये मुझे तो रिफ्लेक्शन वाला इमोटिकन लगता है, लेकिन आपने कहा ये फिक्रू है। जी, ये फिक्रू है ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग का। हाँ। और ये इसको फिक्र ये लगी हुई है कि जिन मसाइल पे हमें बात करनी चाहिए, जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी, उसने किसने कहा था ना कि वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने कमेंट दिया था व्हेन वी वर वेटिंग फॉर, कि हमें वो वोकैबुलरी देनी चाहिए। तो वो चीजें जो इस माशरे को, मेल सेक्स वर्कर्स, हम जिनसी, बांझपन, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, ये वो टर्म्स हैं जिसके साथ ही लोग समझते हैं टैबू है, क्योंकि हमें अब्यूजर्स ना। Exactly. आप देखें, हम किसी को इंसल्ट करना चाहते हैं, किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना चाहते हैं, तो हम उसको ये लेबल्स देते हैं। हमने कभी नहीं ये सोचा कि ये लोगों के लिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे ही माशरे में जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं उसमें ये लोगों का पेशा है, मजबूरी के तहत है या किसी भी और चॉइस से भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, माई क्वेश्चन टू यू इज कि जब हम कहते हैं कि प्रेवलेंस सबसे ज्यादा ड्रग यूजर्स में और सेक्स वर्कर्स में है, तो सेक्स वर्कर का जरिया माश इज द कमर्शियल सेक्स। ये जब डिक्लेयर हो गया कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो द रिस्पॉन्सिबल वे इज कि वो अब इसमें इंडल्ज ना करे। लेकिन अगर आपका खाने पीने का जरिया, आपके जिंदा रहने का जरिया वही है, तो डिक्लेयर करने के बाद या आप लोगों को रीच आउट करने के बाद क्या उनको कोई सहूलत दी जाती है? आर दे टेकन केयर ऑफ? इज देयर अ वेलफेयर फैसिलिटी जिसमें इनका एटलीस्ट दाना पानी चलता रहे, इनको दवा दारू मिलती रहे, ये सोच रही है गवर्नमेंट? ओके, फिक्रू को ये फिक्र भी है कि ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। तो जब तक गवर्नमेंट इन लोगों को मुतबादल जरिया आमदन और किसी न किसी तरीके से इंगेज करने में, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव में, नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम में, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही इंप्लॉय किया जा रहा है। ग्रीन स्टार इन्हीं के साथ काम कर रही है और बहुत माशाल्लाह जबरदस्त काम हो रहा है। तो जब आप इनको इंगेज कर रहे होते हैं, इफ यू टेल देम दे विल लिसन, इफ यू शो देम दे विल पे अटेंशन, व्हेन यू इन्वॉल्व देम दे विल लर्न एंड अर्न। सो इनका जरिया माश, इनको मुतबादल, इनको नेशनल आईडी कार्ड देना, इनको पहले तो एक्सेप्ट करना, ट्रांसजेंडर्स को, मेल सेक्स वर्कर्स को इनको एक्सेप्ट करना, इनको आइडेंटिटी देना, इनको माशी तौर पर किसी तरीके से इंगेज करना। जब तक वो बेसिक मसाइल हल नहीं करेंगे, उस एनवायरमेंट को इंप्रूव नहीं किया जाएगा, इस बीमारी पर काबू पाना पार्शल तौर पे आप उनके साथ जिंदा रहने के लिए, वरना
शायद कुछ पिछले वक्तों में हजरत ईसा के वक्त में कोड़ियों की एक अलग बस्ती हुआ करती थी जहां इन पेशेंट्स को डंप कर दिया जाता है। हम भी इनके बारे में गुफ्तगू ना करके, वोकैबुलरी सीख ना करके, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दिए बैठे ज्यादातर बैठ नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब फॉर हाईलाइटिंग दीज इश्यूज वंस अगेन जी। नंबर आपके सामने है 0800 111 71। और सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत, और हम अक्सर कहते हैं जी पॉलिसीज बनाई नहीं जा रही, डेटा ही जब हमारे पास नहीं होगा तो पॉलिसीज नहीं बन सकती। अंदाजों के मुताबिक, मोहतात अंदाजों के मुताबिक, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख मरीज HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, हमें नंबर्स पता नहीं चलेंगे, उनके कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकती। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और एक और बहुत अहम इशू पर बात करेंगे जिसको एक क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमारा नेटवर्क हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।